हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने सीएसआईआर नेट के लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी से पहला चैप्टर स्टार्ट किया था डिस्कस करना, और उसमें भी हम लोगों ने इंडोक्राइन सिस्टम को पर डिस्कशन अपना कर रहे थे। इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने एंटीडेड पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में चर्चा पूरे से तरीके से कर लिया था, और आगे हम लोगों ने जो है थायरॉयड ग्लैंड्स की बातें की थी। थायरॉयड ग्लैंड में हम लोगों ने थायरॉयड ग्लैंड के सिंथेसिस की बात की, थायरॉयड ग्लैंड का जो है यह कहाँ पाया जाता है, यह जो है इसमें कितने तरीके के सेल्स होते हैं, यह इसके हार्मोन्स कैसे सिंथेसिस होते हैं, कहाँ पर सिंथेसिस होते हैं, फिर वो हार्मोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इन सब बातों पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा कर लिया था। जैसा कि हमको पता है कि जो है थायरॉयड ग्लैंड जो होता है, एक थायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, वह एक ऐसे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है जो एरोमेटिक नेचर का होता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है जो है मतलब कि आपका ब्लड या जो है आपका फ्लूड में, बॉडी फ्लूड में। तो इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लीवर एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या करता है, बाइंड करता है T3 एंड T4 से, जिससे सॉल्युबिलिटी ऑफ T3 T4 बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन भी T3 T4 का बॉडी के ब्लड में बढ़ जाता है, और इसका प्रॉपर कंसंट्रेशन होने के कारण जो है बॉडी की वेरियस फिजियोलॉजी को ये मेंटेन करता है। जैसा कि जो है थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन जो थायरॉक्सिन है उसका वास्ट जो है एरिया है ऑफ द फंक्शनिंग, जैसे बॉडी के मैक्सिमम सिस्टम पे काम करता है और उसकी जो है फिजियोलॉजी को मेंटेन करने का काम करता है। अगर थायरॉक्सिन का लेवल मतलब T3 और T4 का लेवल कम रहेगा या किसी भी तरीके का जो है आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन रहेगा, तो ऐसे में कोई जो है सिस्टम जो है पर्टिकुलरली मैल फंक्शनिंग कर सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन्स जिसको T3 और T4 कहते हैं के बारे में डिटेल में जो है हम लोग मतलब कि उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, और इसका डिस्कशन हमारा आज का टॉपिक थायरॉयड ग्लैंड का ग्लैंड के हार्मोन्स का फंक्शन के बारे में होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि थायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। यहाँ पे देखना है कि जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब ब्लड के अंदर थायरॉयड ग्लैंड आ गया था, और थायरॉयड ग्लैंड जो होता है जिस प्रोटीन से जुड़ा था उसका नाम है TBG, मतलब थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है जिससे कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाता है और फंक्शनिंग भी ये प्रॉपरली करने लगता है। थायरॉयड ग्लैंड जो है बहुत सारे सिस्टम पे काम करता है, लगभग 9 सिस्टम को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है जो मेन है, जो मेजर है, जिनके फंक्शन के बारे में हम देखने जा रहे हैं। जैसे इसमें पहला जो है हमारा बॉडी सेल पे काम करता है। बॉडी सेल पे जब थायरॉयड ग्लैंड काम करता है, थायरॉयड के हार्मोन्स जिसको T3 और T4 कहते हैं, तो बॉडी सेल पे या डायरेक्टली क्या, क्योंकि एरोमेटिक नेचर के है तो ये परमिएबल होता है और डायरेक्टली सेल के साइटोप्लाज्म में ये इंटर कर सकता है। तो T3 तो इंटर कर सकता है, लेकिन T4 जैसा कि मैंने बताया था T3 से जो है लेस पोटेंट होता है, T3 4 to 5 टाइम मोर पोटेंट होता है देन T4। तो जो है बिफोर फंक्शन T4 हैज टू कम जो है कन्वर्टेड इनटू द T3 बाय द एंजाइम दैट इज डी आयोजिनेज एंजाइम क्या करता है, T4 में डी आयोडिनेशन करता है, प्रोसेस इज नोन एज डी आयोडिनेशन, मतलब एक आयोडीन को निकालता है, 4 आयोडीन से 3 आयोडीन वाला हो जाता है जिससे T3 का फॉर्मेशन हो जाता है, और T3 इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर जो है इट एक्ट थ्रू द हेटरोडाइमेरिक जो है आपका लाइगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग के थ्रू काम करता है, जहां पे T3 एक जो है हेटरोडाइमेरिक जो है रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और दूसरा जो होता है दूसरे से जो बाइंड करता है उसका नाम है रेटिनोइक एसिड, जिससे ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और यह एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जब इस जो है हेटरोडाइमर का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक पर T3 हार्मोन्स बाइंड करेगा और दूसरे पर जो होता है RXR रेटिनोइक एसिड बाइंड करता है, तभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस में जाकर के प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है थ्रू द आपका mRNA मतलब मेटाबॉलिक मशीनरी के थ्रू, और यह प्रोटीन क्या करता है जाकर के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट जो होता है चैनल्स जो कि सोडियम पोटेशियम पंप के चैनल्स होते हैं, इनको जो है एक्टिवेट कर देता है, और जिससे जो है सोडियम पोटेशियम का जो है ट्रांस इन्फ्लक्स होता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर आता है। इस प्रोसेस में ATP की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यह एक्टिव प्रोसेस है, और यह लगातार प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है ताकि बॉडी का नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम करे, बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहे, इसलिए ये फंक्शन
लगातार ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम आउटसाइड और इनसाइड पोटेशियम का होता रहता है अंडर जो है रेगुलेशन ऑफ द एटीपी। तो यहां से जो है आप देख रहे हो कि एटीपी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इस एटीपी को कंपनसेट करने के लिए माइटोकांड्रिया पर लोड बढ़ेगा, तो माइटोकांड्रिया क्या करता है एटीपी का सिंथेसिस को बढ़ा देता है बाय यूजिंग द ग्लूकोज थ्रू प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं उसके थ्रू करेगा। और ऐसा करने में क्या होता है कि माइटोकांड्रिया कंपनसेट करने के लिए क्या करता है कि अपने साइज को इनलार्ज कर सकता है अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो यह अपने डॉटर माइटोकांड्रिया का फॉर्मेशन भी कर सकता है क्योंकि इसके पास वो पावर होता है। माइटोकांड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स है, इसलिए इट कैन फॉर्म द डॉटर माइटोकांड्रिया ऑल्सो ऑन रिक्वायरमेंट, ताकि यह एटीपी के जो है रिक्वायरमेंट को कंपेंसेट कर पाए। दूसरा फंक्शन क्या है उसको समझने से पहले हम लोग एडिपोज टिश्यू के फंक्शन को देखते हैं। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो हमारे बॉडी में इस एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसको पैनिकुलस एडिपोसेस भी कहते हैं। साथ ही साथ एब्डोमिनल कैविटी के पास चार साइड बाई साइड होता है, बचक रीजन में होता है। यहाँ पे क्या होता है एडिपोज टिश्यू क्या करता है फैट को डिपोजिटेड रखता है इन द फॉर्म ऑफ द ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, TAG ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के रूप में ये स्टोर रखता है। और जो है जब जो है रिक्वायरमेंट होता है तो यहाँ पे जो है T3 T4 के इफेक्ट में हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का एक्टिवेशन होता है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करता है देखिए TAG को ब्रेक कर देता है, कट कर देता है, जिससे जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज हो जाता है। यहाँ पे जो फैटी एसिड है जो इवन चैन फैटी एसिड होता है वो ब्लड में चला जाता है, और चैन फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलकर के लीवर में पहुंचता है। तो लीवर में पहुंच करके ये क्या फंक्शन करता है और चैन फैटी एसिड अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के क्या करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि नॉन प्रिकर्सर सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसमें प्रिकर्सर सोर्स से नहीं होता है, नॉन प्रिकर्सर सोर्स से होता है, जिसमें नॉन प्रिकर्सर क्या है ग्लिसरॉल फैटी एसिड और अमीनो एसिड है, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाएगा। साथ ही साथ लीवर के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन भी क्या होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो इस तरह से ग्लूकोज का जो है अवेलेबिलिटी ब्लड में बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे बॉडी सेल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि माइटोकांड्रिया लगातार ग्लूकोज को यूज करके एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। दैट एटीपी इज यूज्ड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप टू पंप द सोडियम एंड पोटेशियम इन एंड आउट। तो ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, तीनों आपस में कोरिलेटेड हैं। अगला देखें तो थर्ड प्रोसेस में आएंगे कि ये CNS पे काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तीन फंक्शन करता है। पहला नंबर ऑफ डेंड्राइट्स को न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स को बढ़ा देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को रिसीव करे। दूसरा जो होता है ये साइनेप्स की संख्या बढ़ा देता है, मतलब कि ये कनेक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स उनकी संख्या बढ़ाएगा इंक्रीज कर देगा। और थर्ड जो है माइलिनेशन जो एग्जॉन्स होते हैं उनकी माइलिनेशन बढ़ाने से माइलिनेशन ज्यादा कर देता है, जिससे ज्यादा कंडक्शन जो है आपका इंपल्स का वो फास्ट हो जाए। तो इस तरीके से तीनों प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, डेंड्राइट का नंबर इंक्रीज करेगा, सिनेप्स का नंबर इंक्रीज करेगा और माइलिनेशन की प्रोसेस बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि ब्रेन का जो है आपका कैपेसिटी बढ़ जाती है टू ट्रांसमिट द इम्पल्स। इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारा थायरॉक्सिन T3 T4 हार्मोन्स है वह इंटेलिजेंस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी बच्चे में इस थायरॉक्सिन का अर्ली स्टेज में कमी हो जाए तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल कंडीशन कंसिडर करते हैं क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हार्ट पे। हार्ट पे क्या करता है ये, हार्ट पे क्या करेगा कि यह कार्डियक आउटपुट ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट को मेंटेन करता है, जो है इंक्रीज करने का मतलब मेंटेन करता है, क्योंकि जो T3 T4 होता है साथ में एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन यह जो है वेंटिकल्स जो होते हैं इनकी वॉल पे प्रेजेंट रिसेप्टर होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू वेंटिकल में कंट्रैक्शन काज करता है, जिससे ज्यादा ज्यादा पंपिंग हो, ब्लड का कार्डियक आउटपुट अच्छा हो, हार्ट रेट अच्छा हो, ब्लड प्रेशर अच्छा हो। और इसके लिए जो सिग्नल आता है वो ऐसे नोड से आता है जो कि आपका ऑरिकल राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ इसको पेसमेकर भी कहते हैं, जो है ऐसे नोड को जो है साइनो ऑरिकुलर नोड पेसमेकर भी कहा जाता है।
या इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिग्नल को भी ये बार बार रिप्रोड्यूस कराने में मदद करता है। तो इस तरीके से यह क्या करेगा कि मतलब कि कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को मेंटेन करने का काम T3 T4 करता है। हार्ट पे भी इसका इफेक्ट है। तीसरा चौथा देखेंगे तो यहाँ पे बोन पे इसका इफेक्ट होता है। तो ये बोन पर ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कराएगा। मतलब ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन डिपोजिशन और ओस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन डिसोल्यूशन। तो दोनों अगर बैलेंस स्टेट में हो जाएगी तो इसको कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल ग्रोथ और बोन रिमॉडलिंग कहते हैं। तो मतलब इसमें बोन प्रॉपर साइज में हो जाएगा, बोन जो है प्रॉपर फॉर्मेशन होगा, प्लस इसका इलॉन्गेशन हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो सारा काम जो है ये काम कराता है T3 T4। इंटिग्यूमेंट्री पांचवा जो पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया था, छठवां पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। तो सातवां पॉइंट में देखेंगे कि जो हमारी स्किन होती है वो इंटिग्यूमेंट्री सिस्टम में आता है। इसकी छह लेयर होती है बाहर से अंदर, स्टेटम कार्नियम, स्टेटम ल्यूसिडम, स्टेटम ग्रैनुलोसम, स्टेटम स्पाइनोसम और स्टेटम ब्रेसेल्स। यह क्या करता है कि जो लेयर होती है और प्लस इसमें जो है स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या करेगा कि एवेपोरेटिंग कूलिंग के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी काम करता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द T3 एंड T4। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारा है मसल्स पे क्या करेगा। तो मसल्स पे क्या करता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस के थ्रू जो है मसल्स को बैलेंस स्टेट में रखता है, मेंटेन करता है मसल्स को डेंसिटी ऑफ मसल्स की डेंसिटी, मसल की डेंसिटी इन द बॉडी, ताकि प्रॉपर जो है बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे। तो ये अगर हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होती है कि मतलब कि पर्सन का मसल्स प्रॉपर नहीं काम करता, हेल्दी दिखेगा लेकिन मसल्स काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो लाइपेज को भी, ये लाइपेज भी यहाँ पे काम करके लिपिड को कम कर रहा है। तो इंसान मोटा तगड़ा दिखेगा अगर हार्मोन्स की कमी है, लेकिन उसका मसल्स प्रॉपर काम नहीं करेगा, वो थक जाएगा जल्दी। प्लस यहाँ पे देखोगे तो GIT जो होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, इसकी मोटिलिटी को भी ये बैलेंस स्टेट में कर रखता है। प्लस सिक्रीशन को जो है बैलेंस कर रखता है, ताकि हमारे बॉडी का डाइजेशन प्रॉपर हो, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो। लेकिन अगर जो है थायराइड हार्मोन्स, जिसको T3 T4 कहते हैं, इसकी कमी हो जाएगी बॉडी में तो मोटिलिटी घट जाती है, सिक्रीशन घट जाता है, जिसके कारण जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, डिफिकेशन नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाती है। और अगर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन जो है पैथोलॉजिकल मानी जाती है GIT पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो T3 T4 का इफेक्ट है वो पहले बॉडी सेल पे होता है, बाद में जो है एडिपोज टिश्यू को ब्रेकडाउन कराता है बॉडी सेल जो, इसके कारण जो है ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस से लीवर से, प्लस यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस भी होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है तो ग्लूकोज बनेगा। ये दो कंडीशन में ग्लूकोज बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे बॉडी सेल को ग्लूकोज की जरूरत है ATP प्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ एक चीज और जानना है कि ब्लड में जब LDL की मात्रा बढ़ जाती है तो T3 T4 क्या करता है, उसके रिसेप्टर जो लीवर पे होते हैं उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे LDL ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, लीवर में, और फिर वो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इसका ज्यादा ज्यादा जो है लीवर में जो है रीच करे और वहां पे जाके वो गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाए, तो ये तीसरा फंक्शन भी लीवर में हो जाता है। चौथा मैंने आपको बताया कि ये जो है हार्ट पे काम करता है, तो हार्ट का कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को मेंटेन करता है। पांचवा हमने आपको बताया कि ये बोन पे काम करता है, तो बोन रिमॉडलिंग, इंटरस्टीशियल सेल ग्रोथ कराता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पर ये काम करके या कूलिंग के थ्रू जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। मसल्स में मसल्स की डेंसिटी को मेंटेन करता है, जिससे प्रॉपर बॉडी साइज बना रहे और उसकी एक्टिविटी बनी रहे। GIT में मोटिलिटी और सिक्रीशन को मेंटेन करता है, ताकि जो है प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो पाए, प्रॉपर वर्क करे। और ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में डेंड्राइट्स की संख्या बढ़ा के, सिनाप्स की संख्या बढ़ा के माइलिनेशन को जो है प्रॉपर करके जो है क्या करता है कि जो है कंडक्शन ऑफ इंपल्स को फास्ट तरीके से करता है, जिससे IQ लेवल अच्छा रहता है, रीजनिंग पावर अच्छा रहता है, कैलकुलेशन अच्छा रहता है। इसीलिए T3 T4 या बेसिकली थायरॉक्सिन को हम इंटेलिजेंस हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके कमी से बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। तो इन सारी बातों को यहाँ पे हमने लिस्ट कर दिया है। लीवर में क्या फंक्शन होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, LDH रिमूवल फ्रॉम द ब्लड टू लीवर एंड यूज ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा। बॉडी सेल पे ATP का यूज, ATP का प्रोडक्शन, नंबर ऑफ जो है एंड साइज ऑफ माइटोकांड्रिया इंक्रीज होना, हार्ट पे कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को यह मेंटेन करता है। CNS में ये डेंड्राइट की संख्या बढ़ाएगा, सिनेप्स की संख्या बढ़ाएगा और नंबर ऑफ
माइलिनेशन सॉरी ज्यादा करेगा, बोन पे इंटरस्टिशियल सेल का ग्रोथ करेगा, मसल्स में मेंटेन करेगा मसल की डेंसिटी को, एडिपोज टिश्यू में लाइपोलिसिस करके जो है ग्लिसरॉल फैटी एसिड को प्रोड्यूस करता है, इंटीग्यूमेंट के ऊपर जब काम करेगा तो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, और जीआईटी पे काम करेगा तो मोटिलिटी एंड जो है वो क्या करेगा सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड को प्रॉपर करके वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि थायराइड जो ग्लैंड का जो हार्मोन्स है उसका फंक्शन वास्ट है बॉडी पे, और कोई भी तरह फंक्शन अगर इंपेयर हो जाए तो हमारे बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम दो बार देखिए, और तब भी अगर कोई आपके मन में सवाल हो क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें हम क्वेश्चंस को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इन्फॉर्मेटिव है तो आप जरूर लाइक करें और प्लस अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, इससे हमें हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।